मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्केलर काइमा के बारे में। किसके बारे में? स्केल काइमा। स्केल काइमा के बारे में मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर चुकी हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ लिया? पहले हमने क्या पढ़ा? टिश्यू क्या होता है। उसके बाद हमने दो तरीके के टिश्यू पढ़े थे, एक होता है मैस्कमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। फिर हमने मैस्कमेटिक टिश्यू को डिवाइड कर दिया था, वो हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैस्कमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू वो जो एक बार डिवाइड हो चुके अब वो क्या है? मैच्योर सेल्स है, अगेन डिवाइड नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू के बाद मैंने आपको दो चीजें बताई थी। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होता है, कौन कौन से? एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट मतलब सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक वो ऊतक होते हैं, वो टिश्यू होते हैं जो केवल एक प्रकार की सेल से बने होते हैं, केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से, सेम सिमिलर टाइप की सेल से बने हों, उन्हें क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल से, मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने, कोशिकाओं से बने ऊतकों के समूह को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, अब मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी मैंने आपको तीन टाइप के टिश्यू बताए। एक बताया मैंने पैरेन्काइमा मृदुत्तक, दूसरा बताया मैंने कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा बताया मैंने स्केलेनकाइमा दृढ़ ऊतक। ठीक है, अब पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा मृदुत्तक, मृदुत्तक और स्थूल कोण ऊतक, इन दोनों के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, स्टार्ट मैंने क्या कर दिया था? स्केलेनकाइमा दृढ़ ऊतक के बारे में मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्या बढ़ा दिया था मैंने? दृढ़ ऊतक। ठीक है, ये दृढ़ ऊतक क्या होते हैं? स्केलेनकाइमा क्या होते हैं? स्केलेनकाइमा को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ ऊतक। ये दृढ़ ऊतक क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा है, जो क्या पढ़ा है, प्रोवाइड करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या प्रोवाइड करें? यांत्रिक सहायता। और क्या प्रोवाइड करें? और क्या दे? रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कठोरता, दृढ़ता प्रदान करे किसी पौधे को, तो उसे और दृढ़ टिश्यू कौन सा होता है? स्केलेनकाइमा। ठीक है, एक और बात मैंने बताई थी, स्केलेनकाइमा टर्म किसने दी थी? मैटिनस ने टर्म दी थी, मैटिनस ने। उसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी आपको, ये मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है, प्रमुख यांत्रिक ऊतक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और बात बताई थी, ये कैसे होता है? डेड टिश्यू। डेड टिश्यू मतलब मृत ऊतक होते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ स्केलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक के प्रकार। पहला टाइप है स्केलेनिट्स और स्टोन सेल्स, मतलब स्टोन सेल मतलब आस्थिल, आस्थिल या मैं इनको बोल दूं दृढ़ कोशिकाएं। क्या बोल दूं मैं? आस्थिल या फिर दृढ़ कोशिकाएं। ठीक है, आस्थिल या दृढ़ कोशिकाएं, स्केलेनिट्स। और दूसरे होते हैं स्केलेनकाइमेटस फाइबर। स्केलेनकाइमेटस फाइबर्स का मतलब होता है, स्केलेनकाइमेटस फाइबर्स को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ोत्तकी तंतु। स्केलेनकाइमेटस फाइबर्स को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ोत्तकी तंतु। ठीक है, तो दो तरीके के स्केलेनकाइमा हो गई। पहला हो गया स्केलेनिट्स, जिनको बोलते हैं, या फिर उनको बोलते हैं स्केलेनिट्स को ही दूसरा नाम से बोलते हैं स्टोन सेल। स्टोन मतलब पत्थर के समान दृढ़, जो कैसा हो? पत्थर के समान दृढ़ या आस्थिल कोशिकाएं हो, उन्हें बोलते हैं स्केलेनिट्स। दूसरे होते हैं दृढ़ोत्तकी तंतु, स्केलेनकाइमेटस फाइबर्स मतलब रेशेदार हो, उनको बोलते हैं स्केलेनकाइमेटस फाइबर। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? स्केलेनिट्स। स्केलेनिट्स जिसे हमने बोला क्या? आस्थिल या फिर दृढ़ कोशिकाएं, आस्थिल या फिर दृढ़ कोशिकाएं। ठीक है, कैसी होती है? पहली बात, ये स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटी होती है, एक्सट्रीमली थिक। थिक अच्छा, थिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो स्केलेनकाइमा होता है, दृढ़ ऊतक होता है, उनमें किसका डिपोजिशन होता है, किसका जमाव होता है? लिग्निन का जमाव होता है। इसलिए स्केलेनिट्स कैसी होगी? स्मॉल होगी। और क्या होगी? एक्सट्रीमली थिक, मोटी होगी, क्योंकि इनमें किसका डिपोजिशन होगा? लिग्निन का। ठीक है, इनमें सिंपल बिट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सामान्य प्रकार के, सिंपल मतलब सरल गर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। जब स्मॉल है, थिक है, ठीक है, तो इनमें ल्यूमन होगी। ल्यूमन मतलब बीच में जो ल्यूमन मतलब ये वाला एरिया,
इसको क्या बोलेंगे? ल्यूमन। ये ल्यूमन कैसी होगी? स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की वॉल के चारों तरफ, फ्रूट वॉल में पाए जाते हैं। स्केलेट्स का आपको पता है, जब एक फल दिखाते हैं आप तो उसका बाहर का जो एरिया होता है, जो बाहर का जब जैसे मान लो ना वो देखा सपोटा, सपोटा मतलब सीताफल, सीताफल का बाहर का क्या होता है? टफ होता है। तो वहां पे जो सेल्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? स्केलेट्स। अब जब भी आप सीताफल खाएं तब आप याद रखना, जब भी आप सीताफल को निकालोगे ना तो उसमें जो सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होगा वहां पे कौन सा टिश्यू बोलोगे? जैसे उसको खाओगे यहाँ पे कौन सा टिश्यू? स्केलेट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्केलेट्स, स्केलेटन काइमा। कौन सा? आस्टियल दृढ़ोत्तक प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरह गुआवा, गुआवा अमरूद, अमरूद के पल्प में, अमरूद का जो अंदर का गुदा होता है ना उसमें भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? स्केलेट्स। उसके अलावा किसमें? फ्रूट्स की वॉल, अब मैंने बता दिया सपोटा मतलब सीताफल, ठीक है, और किसमें? पल्प ऑफ गुआवा, अमरूद के पल्प में, और किसमें? लेग्यूम्स, जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के फोन के सीड कोट में क्या प्रेजेंट होता है? स्केलेट्स। और चाय की पत्तियों में भी क्या प्रेजेंट होता है? स्केलेट्स। तो याद रखना कि स्केलेट्स क्या होते हैं? आस्टियल या दृढ़ कोशिका, ये स्मॉल होती है, एक्सट्रीमली थिक होती है, सिंपल पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमन क्या होती है? बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, गुआवा के पल्प में प्रेजेंट होते हैं, सेपोटा में प्रेजेंट होते हैं, एंड टी ऑफ लीव्स, लीव्स की टी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलेट्स के टाइप्स की। ठीक है, दृढ़ कोशिकाएं बताया था अभी मैंने, दृढ़ कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। ये दृढ़ कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ये चार प्रकार की होती है। पहली होती है मैक्रोस्केलेट्स, जिन्हें हम बोलते हैं बृहद दृढ़ कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? बृहद दृढ़ कोशिकाएं। दूसरी होती है ऑस्टियोस्केलेट्स, ऑस्टियोस्केलेट्स नाम से समझ में आ रहा होगा, ऑस्टियो वर्ड जहां भी यूज होगा वो किसके लिए होगा? बोन्स के लिए, बोन्स मतलब अस्थि के लिए। तो ये कैसी कोशिकाएं हैं? अस्थि दृढ़ कोशिकाएं। कैसी? अस्थि दृढ़ कोशिकाएं। ठीक है, तीसरी है एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब आकाश, आकाश में क्या प्रेजेंट होते हैं? तारे। तो ये कैसे स्केलेट्स है? तारा दृढ़, ये क्या है? तारा दृढ़। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रैकी और स्टोन, स्टोन मैंने पहले भी बताया था कि ये स्टोन मतलब आस्टिल दृढ़, क्या? आस्टिल, या फिर मैं इनको बोल सकती हूँ समव्यासी दृढ़ कोशिकाएं। ठीक है, तो दृढ़ कोशिकाएं, दृढ़ कोशिकाएं, आस्टिल कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। पहली होती है मैक्रोस्केलेट्स, जिन्हें बोलते हैं बृहद दृढ़ कोशिकाएं। दूसरी होती है ऑस्टियोस्केलेट्स, जिन्हें बोलते हैं अस्थिर दृढ़ कोशिकाएं। तीसरी होती है एस्ट्रोस्केलेट्स, जिन्हें बोलते हैं तारा दृढ़ कोशिकाएं। चौथी होती है ब्रैकी या स्टोन, आस्टिल या समव्यासी दृढ़ कोशिकाएं। अब नाम से समझ में आ रहा होगा मैक्रोस्केलेट्स, मैक्रो मतलब ये साइज में कैसी होंगी? बड़ी, बड़ी होंगी। और कैसा इनका शेप कैसा होगा? रॉड शेप। कैसी होंगी? रॉड शेप होंगी। ठीक है, कहाँ पे पाई जाएंगी? मैंने पहले बताया था, जब स्केलेट्स पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, तब मैंने बताया था लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी सीड होते हैं उनके चारों तरफ जो सीड कोट होता है उनमें क्या पाया जाता है? स्केलेट्स। और कौन से टाइप का स्केलेट्स पाया जाएगा? मैक्रोस्केलेट्स, बृहद दृढ़ कोशिका। किसमें पाई जाएगी? लेग्यूमिनेसी फैमिली के सीड कोट मतलब बीजावरण में। किसमें? बीजावरण में क्या पाया जाएगा? मैक्रोस्केलेट्स। दूसरा होता है अस्थि दृढ़, तो इनका कैसी शेप होगी? अस्थि के समान। कैसी होगी? बॉन शेप। कैसे होगी? अस्थि के समान। और ये किसमें पाए जाएंगे? हाकिया प्लांट्स की लीव्स में। किसमें? हाकिया की लीव्स में। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है एस्ट्रोस्केलेट्स, कैसे शेप में? कैसे? तारे के समान। कैसे दिखाई देंगे? तारे के समान। और ये कहाँ पाए जाएंगे? निम्फिया की लीव्स में। निम्फिया क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट होता है, उसकी पत्तियों में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रैकी या स्टोन स्केलेट्स। ब्रैकी मतलब दृढ़ होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, और कैसे होंगे? आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक मतलब समव्यासी, मतलब इनकी जो कोशिकाएं होंगी उन वो सारी की सारी कैसे होंगी? एक समान व्यास की होंगी। इनको इसलिए क्या बोलते हैं? ब्रैकी या स्टोन स्केलेट्स। कैसे होगी? आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक मतलब समव्यासी कोशिकाएं। कैसी होंगी इनकी कोशिकाएं? समव्यासी। और ये कहाँ पाए जाएंगे? फ्रूट्स के पल्प में, ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे? फ्रूट्स के पल्प में। तो याद रखना है स्केलेट्स में मैक्रोस्केलेट्स कहाँ? लेग्यूमिनेसी फैमिली के सीड कोट में। ऑस्टियोस्केलेट्स हाकिया की लीव्स में, एस्ट्रोस्केलेट्स निम्फिया की लीव्स में, ब्रैकिस्केलेट्स पल्प ऑफ फ्रूट्स में। पूछ लेते हैं वन वर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं आपके एक एक नंबर के, उसमें पूछ लेते हैं
ही राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टियोस्केलेट्स, या एग्जाम्पल लिखो किसका, एस्ट्रोस्केलेट्स का, या ब्रैकिस्केलेट्स का, या मैक्रोस्केलेट्स का, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हम स्केलेटल काइनेटस फाइबर्स। स्केलेटल काइनेटस फाइबर्स क्या होते हैं, दृढ़ोत्तकी तंतु। क्या कहते हैं इनको, दृढ़ोत्तकी तंतु। नाम से समझ में आ रहा होगा ये कैसे होंगे, रेशेदार होंगे, ये कैसे होंगे, तंतु की फॉर्म में होंगे, इसलिए इनको क्या बोला, स्केलेटल काइनेटस फाइबर्स। ये सबसे लंबे सेल्स होती है, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। प्लांट्स की जो बॉडी होती है, प्लांट शरीर में, पादप शरीर में से सबसे लंबी कोशिका होती है, वो कौन सी होती है, स्केलेटल काइनेटस फाइबर, दृढ़ोत्तकी तंतु। अभी कैसे होता है, इनके दोनों एंड्स कैसे होता है, पॉइंटेड। दोनों एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड, मतलब दोनों एंड्स कैसे होते हैं, नुकीले, इधर वाला भी और इधर वाला भी, दोनों एंड्स कैसे होते हैं इनके, पॉइंटेड, ठीक है। तीसरी बात, इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता ही है। लिग्निन का डिपोजिशन होने से ये क्या होता है, लिग्निन का जमाव होने से ये क्या हो जाता है, थिक वॉल। इनकी वॉल कैसी हो जाती है, मोटी, ठीक है। जब वॉल मोटी हो जाएगी किसी चीज की, तो इनमें ये इस तरीके से, इनकी वॉल कैसी हो जाएगी, मोटी, ठीक है। तो ल्यूमन क्या हो जाएगी, इनके ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन, कैविटी, या फिर गुहा, क्या कहते हैं इसको, गुहा। ये कैसी हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, रिड्यूस्ड, मतलब बहुत ज्यादा ह्रासित हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्केलेटाइमा की सबसे खासियत क्या है, कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जब किसी चीज में लिग्निन का डिपोजिशन होगा तो वो सेल्स कैसी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो उनमें क्या होगा, वो मोटी हो, कोई चीज मोटी हो जाएगी, तो उनके बीच में जो कैविटी है, जो उसके बीच की जो गुहा है, जिसे हमने क्या कहा, ल्यूमन कहा, वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इनमें सेल वॉल है, बाहर की तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति। अभी कोशिका भित्ति में दो तरीके के गर्त पाए जाते हैं, एक तो होते हैं सिंपल पिट्स, एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट, एक तो होते हैं सरल गर्त, ठीक है, और एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट, ठीक है। दो तरीके के क्या पाए जाते हैं, पिट्स पाए जाते हैं, एक तो सिंपल पिट्स और एक होते हैं बॉर्डर्ड पिट। तो अभी मैंने आपको बताया था, स्केलेट्स जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने उनमें बताया था कि उनमें कौन से पिट्स पाए जाते हैं, सिंपल पिट्स पाए जाते हैं, ठीक है, कैसे, सरल गर्त। लेकिन स्केलेटल काइनेटस फाइबर्स में कौन से टाइप के पिट्स पाए जाते हैं, सिंपल भी पाए जाते हैं, और कैसे पाए जाते हैं, बॉर्डर्ड पिट, दोनों तरीके के पिट्स पाए जाते हैं। तो स्केलेटल काइनेटस फाइबर्स सबसे लंबी सेल्स होती है, किसमें, प्लांट बॉडी में। इनके एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड, मतलब नुकीले होते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है, और ल्यूमन, ल्यूमन क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड, खत्म, ह्रासित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इनमें कैसे तरीके के पिट्स पाए जाते हैं, सिंपल और बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये स्केलेटस को हमने चार क्लासेस में डिवाइड किया था, इसी तरह स्केलेटल काइनेटस फाइबर्स को, दृढ़ोत्तकी तंतुओं को, तीन क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं कौन से, सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर मतलब सतही तंतु, ठीक है, पहले कौन से होते हैं, सरफेस फाइबर। दूसरा होते हैं जाइलरी या इंटर जाइलरी या वुडी फाइबर। जाइलरी मतलब जो किससे बने, जाइलम से, जाइलम मतलब दारू, ठीक है, दारू, अंतः दारू फाइबर, अंतः दारू तंतु, या फिर इनको बोल दिया हमने वुड फाइबर। वुडी फाइबर मतलब काष्ठीय ऊतक, ठीक है। पहले वाले कौन से हो गए, सतही, दूसरे हो गए काष्ठीय ऊतक, या फिर हमने उनको बोल दिया काष्ठीय तंतु, या फिर हमने बोल दिया इंटर जाइलरी फाइबर। इंटर मतलब अंदर, जाइलरी मतलब जाइलम, जाइलम मतलब दारू, ठीक है, अंतः दारू फाइबर, समझ में आ गया, अंतः दारू तंतु। उसके बाद तीसरा होता है एक्स्ट्रा जाइलरी। एक्स्ट्रा जाइलरी मतलब जो क्या हो, बाहर हो, वो तो एक तो होता है अंदर की तरफ और एक होते हैं बाहर की तरफ, जो बाहर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी, या हम इनको बोल सकते हैं क्या, बाह्यदारु, बाह्यदारु तंतु, या फिर इनको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर, ठीक है। तो तीन तरीके की स्केलेटल काइनेटस फाइबर्स को तीन क्लासेस में डिवाइड किया, एक होते हैं सरफेस फाइबर सतही तंतु, दूसरे होता है इंटर जाइलरी फाइबर मतलब अंतःदारु तंतु, और तीसरे होते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जिनको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं बाह्यदारु तंतु। इतनी बातें समझ में आती है एक बार, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है कपास के रेशे, कॉटन फाइबर। कपास देखा, कपास के रेशे किसका एग्जांपल होते हैं, सरफेस फाइबर का, सतही तंतुओं का, ठीक है। ये जो सरफेस जो कॉटन फाइबर है, कपास के जो रेशे हैं, किसके, कपास के रेशे, ठीक है, ये किससे बनकर बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं।
पहली बात ये सेल्यूलोज से बने होते हैं, दूसरी बात ये कैसे होता है, नॉन लिग्निफाइड। नॉन लिग्निफाइड मतलब इसमें लिग्निन का डिपोजिशन क्या होता है, नहीं होता है, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है। जब किसी, एक बात बताओ, स्क्लेरेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा है, हमने बोला स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स वो होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर, जिसमें सेल्स कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन होता है और इनकी ल्यूमन कैसी हो जाएगी, रिड्यूस। जब इसमें लिग्निन का ही डिपोजिशन नहीं होगा तो ल्यूमन रिड्यूस नहीं होगी, तो ऐसे फाइबर्स को क्या नहीं कह सकते हम, ट्रू फाइबर, मतलब ये क्या नहीं है, सच्चे फाइबर्स नहीं है, ठीक है, ये क्या है, स्यूडो फाइबर्स है। कैसे है, स्यूडो फाइबर्स है, तो सर्फेस फाइबर्स कैसे हो गए, स्यूडो फाइबर्स, ठीक है। दूसरे हमने दूसरे फाइबर, मतलब कॉटन फाइबर इसका एग्जांपल है, किससे बने होते हैं, सेलुलोज के, लेकिन इसमें किसका डिपोजिशन नहीं होता, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए ये फाइबर्स कैसे नहीं होते, ट्रू फाइबर्स नहीं होते। कैसे नहीं होते, ट्रू फाइबर्स नहीं होते। दूसरे होते हैं जाइलरी, इंटरजाइलरी और वुड फाइबर, जाइलरी, इंटरजाइलरी और वुड फाइबर। जाइलरी ऐसे फाइबर्स जो किससे मिले, जाइलम एंड फ्लोएम किसका एग्जांपल है, मैंने पहले भी बताया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो जाइलम एंड फ्लोएम वैसे तो एग्जांपल है किसका, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। लेकिन यदि ऐसे फाइबर्स जो हमें किससे मिले, जाइलम से मिले, जो हमें किससे मिले, जाइलम से मिले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जाइलरी फाइबर, ठीक है। ये किससे ऑब्टेंड होते हैं, जाइलम से, ठीक है। लेकिन ये फाइबर्स कैसे नहीं होते, फ्लेक्सिबल्स नहीं होते, कैसे नहीं होते, लचीले नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे फाइबर जो लचीले नहीं होंगे वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे, टफ होंगे, मजबूत होंगे, दृढ़ होंगे, इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, हार्ड फाइबर। ये तो ट्रू फाइबर नहीं है, तो स्यूडो फाइबर है। जाइलम से ऑब्टेंड हो रहे हैं, लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया, हार्ड फाइबर। इसका एग्जाम्पल क्या है, मुंज फाइबर। क्या, मुंज फाइबर। इनकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वैसे ज्यादा होती नहीं है। जिस फाइबर्स की, ऐसे स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स, ऐसे जड़ोत्तकी तंतु जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब जिनकी क्या हो, महत्वपूर्ण हो, जो हमें क्या मिल रहे हो, कमर्शियली जो क्या हो, बाजार में बिकते हो, ठीक है। ऐसे फाइबर्स कौन से होते हैं, एक्स्ट्रा जाइलरी, एक्स्ट्रा जाइलरी या बास्ट फाइबर। एक्स्ट्रा जाइलरी मतलब जाइलम से तो नहीं ऑब्टेंड होंगे, जब कोई चीज जाइलम से नहीं मिल रही तो वो चीज किससे मिल जाएगी हमें, फ्लोएम से। ऐसे फाइबर्स, ऐसे सतही, ऐसे तंतु, ऐसे तंतु जो हमें किससे मिले, ऐसे तंतु जो हमें किससे मिले, फ्लोएम से ऑब्टेंड हो, किससे, फ्लोएम से। मैंने पहले भी बताया था आपको, सबसे बाहर की तरफ क्या हो, और किससे मिले, एक मिनट रुको फिर बताती हूँ, और किससे मिले, पेरिसाइकल, ठीक है। फ्लोएम को बोलते हैं पोषवा, या फिर पेरिसाइकल मतलब परिरंभ से मिले, ठीक है, परिरंभ से। अब एक बात बताओ, सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, ठीक है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल में भी जाइलम एंड फ्लोएम। यदि जाइलम से हमें कोई फाइबर मिल रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे थे, इंटरजाइलरी फाइबर, ठीक है, क्योंकि जाइलम से। लेकिन यदि हमें जाइलम से नहीं मिल रहा और किससे मिल रहा है, फ्लोएम से मिल रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, या इसको बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। ये क्या होता है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है, इनकी क्या होती है, कमर्शियल फाइबर। कमर्शियल मतलब जो बाजार में बिकते हो, इनकी क्या हो, कमर्शियली इंपॉर्टेंट हो, इनकी ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है। कैसे, वो कैसे थे, फ्लेक्सिबल नहीं थे, हार्ड थे, टफ थे, ठीक है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये फाइबर्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इनको क्या किया जा, नीटिंग मतलब इनको बुना जा सकता है, ठीक है, इनको क्या किया जा सकता है, बुना जा सकता है इजीली। ये किससे ऑब्टेंड होते हैं, फ्लोएम से और पेरिसाइकल से। जैसे जूट देखा, जूट की रस्सियां, इनको आप क्या कर सकते हो, नीट कर सकते हो, क्योंकि इनमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन ऐसे फाइबर जो क्या हो, फ्लेक्सिबल ही नहीं हो, वो हार्ड फाइबर, और हार्ड फाइबर किससे मिलते हैं, जाइलम से, और सॉफ्ट फाइबर हमें किससे मिलते हैं, फ्लोएम से, ठीक है। जो फाइबर हमें फ्लोएम से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर, और जो फाइबर हमें किससे मिल जाए, जाइलम से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रा जाइलरी फाइबर, या फिर बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं क्या, वुड फाइबर। यहाँ पे आपका स्क्लेरेंकाइमा भी क्या होता है, कंप्लीट, और यहाँ पे ही आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल टिश्यू। अब मैंने यहाँ तक आपको सब चीज समझा दी है, सिंपल टिश्यू तक मैंने बता दिया है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। अब जो कल क्लास करेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। अभी तक हमने कौन से ऊतक पढ़ लिए, सरल ऊतक तक पढ़ लिया। सरल ऊतक किसका पार्ट था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टिश्यू पढ़ा। टिश्यू क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल, जो कि क्या होती है, सिमिलर होती है फंक्शन में, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा
टिश्यू में भी हमने दो तरीके के टिश्यू पढ़े, एक पढ़े मेरिस्टमैटिक टिश्यू जिनमें क्या हो डिविजर की कैपेसिटी हो, दूसरे हमने कौन से पढ़े मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बाद हमने पढ़े मैस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मैस्टमेटिक टिश्यू को भी हमने ओरिजिन के बेसिस पर डिवाइड किया था, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, और फंक्शन के बेसिस पर एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल और इंटरकैलरी, पोजिशन के बेसिस पर एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू जिनकी कोशिकाएं कैसी हो एक जैसी हो, जिनकी कोशिकाएं कैसी हो एक जैसी हो उन्हें हम क्या बोलते हैं सिंपल टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू जिनकी कोशिकाएं क्या हो अलग अलग हो, ठीक है। अब सिंपल टिश्यू में भी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने कौन सा टिश्यू पढ़ा था, हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा मृदुत्तक, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कोलेनकाइमा, तीसरा हमने पढ़ा स्क्लेरनकाइमा। अब कोलेनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, कुछ जैसे याद हो तुम्हें तो मैंने बताया था कोलेनकाइमा क्या करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि स्क्लेरनकाइमा कैसे होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। पहली बात कोलेनकाइमा कैसे होता है लिविंग टिश्यू होता है, जबकि स्क्लेरनकाइमा कैसे होता है टफ टिश्यू होता है, ठीक है। तीसरी बात कि कोलेनकाइमा में किसका डिपोजिशन नहीं होता, लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, जबकि स्क्लेरनकाइमा में क्या होगा लिग्निन का डिपोजिशन होगा, ये बातें याद रखनी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मेरेन्काइमा पढ़ लिया, कोलेनकाइमा पढ़ लिया, स्क्लेरनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा के दो टाइप पढ़े, कौन कौन से, एक तो होते हैं दृढ़ीय कोशिकाएं, दूसरे हमने पढ़े दृढ़ोत्तक तंतु, ठीक है। स्केलेरिट्स और स्केलेनकाइमेटस फाइबर, स्केलेरिट्स में भी हमने चार प्रकार के पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पढ़ा मैक्रोस्केलेरिट्स जो कैसे होता है रॉड शेप्ड के, दूसरा हमने पढ़ा एस्ट्रोस्केलेरिट्स जो कैसे होते हैं तारा के समान, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा ऑस्टियोस्केलेरिट्स जो कैसे होते हैं बोन शेप अस्थियों के समान, और चौथा हमने पढ़ा था ब्रैकिस्केलेरिट्स और स्टोन स्केलेरिट्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्केलेनकाइमेटस फाइबर्स, स्केलेनकाइमेटस फाइबर्स में भी हमने तीन टाइप के पढ़े, एक होता है सरफेस फाइबर जो कि ट्रू फाइबर नहीं होते, दूसरे हमने पढ़े जाइलरी फाइबर जो कि कैसे होते हैं हार्ड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं वुड फाइबर, वुड भी तो हार्ड होती है लकड़ी भी तो हार्ड होती है इसलिए हमने इसको क्या बोलते हैं जाइलरी फाइबर, तीसरे कौन से होता है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर जो कि क्या होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हमने बोलते हैं जाइलरी फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं दो, जाइलम एंड फ्लोएम, इनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इतना पढ़ के रखिएगा, थैंक यू।